वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और जैसे कि ब्रेक से पहले हम जान रहे थे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन बताया था आपको कि ही इज़ अ वेरी गुड पोएट। बहुत से जो मशहूर हमारे सिंगर्स हैं उन्होंने इनके कलाम गाए, पढ़े, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पोइट्री में इंटरेस्ट कैसे हुआ। पोइट्री में काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स है ना, फौज, अल्हम्रा। चलिए अल्हम्रा और पोइट्री तो कुछ समझ में आता है, लेकिन फौज, अल्हम्रा, पोइट्री। अच्छा, ये फौज और हमला अल्हम्रा बाद की बातें हैं जी। पोइट्री तो पहले थी, जीन्स में थी। बेसिकली जब मैं एक स्टूडेंट था, स्कूल का बच्चा था, तो उस वक्त थोड़ा शौक था कि मेरे बड़े भाई अख्तर महरूम, उन्होंने मुझे लगाया था। उनको अलामा इकबाल ज़ुबानी याद था पूरा, तो उन्होंने मुझे पुश किया। मैं बड़ा एक शाय सा लड़का था, मैं नहीं पब्लिक में नहीं मैं फेस कर सकता। तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे जा ये नज़म पढ़, ये तकरीर कर, लिख के देते तकरीर मुझे। ऐसे जर्म्स पैदा हुए जो कि शायद पैदा क्या पहले से थे, उनको नशो नवा मिल गई, उस्ताद अच्छे मिल गए, काजी साहब मिल गए, मास्टर गुलाम अहमद साहब मिल गए, गुलाम रसूल साहब मिल गए। इन सारों ने फिर वो ऐसी मेरी नशो नमा की कि मैं कुछ सोचता था और कुछ कहने लगता था तो वो उसकी तसी कर देते थे कि नहीं बच्चे इस तरह नहीं, इसको थोड़ा सा तरतीब इसको कर लो, इसकी तख्ती ये है। वो जो होते हैं कि शायरी में अरूज और वगैरह, उस वक्त तो समझ नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तेरे जहन में ख्याल अच्छा आ रहा है, इसको ऐसे लिख दो। तो वो चलता रहा सिलसिला। वो उस वक्त फिर अभी कभी बच्चों के अखबार में भेज दिया, कभी बज़्म अदब में पेश कर दिया। उस वक्त इकबाल सोसाइटी हमारी होती थी आरिफ वाला में, बड़े बड़े शेख अकरम भी उधर था जी। ये हमारा सीनियर था, और ये भाई अख्तर थे, और ये ज़फ़रुल मोहसिन पीरज़ादा थे। इन सारों ने फिर वो एक बज़्म इकबाल जो बनाई थी जी। उसमें फिर पेश करना एक बहुत ही बच्चे की हैसियत से, जूनियर की हैसियत से शाबाश मिली, अप्रिसिएशन मिली, तो मैं आगे बढ़ा। वो फिर उसमें फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे ही आया। स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी है, मैंने बताया ना, मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। फिर फौज भी आ गई, फौज में थोड़ा सा चेक हुआ क्योंकि मामला कुछ और तरह के थे, लेकिन फौज ने भी मुझे डिसकंटिन्यू नहीं करने दी। हाँ, उसमें उन्होंने जारी रखने की मैंने कोशिश की, लेकिन इतना नहीं था। फिर मैं सिविल में जब आया 86 में, उसमें ये था कि सिविल सर्विसेज में माशाल्लाह जो CSS करके आते हैं हमारे, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं। एकेडमी में कोई 9-10 महीने की ट्रेनिंग होती है और दिन रात की मेहनत। हाँ, उसमें उन्होंने फिर बड़े बड़े चीज़ें, लोग बड़े बड़े चीज़ें आश्कारा हुई कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे। उसमें जब मैंने अपना पेश किया तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। फिर इवन सर्विस में आके भी, सर्विस में आके सहूलियात मुहैया हुई। सहूलियात से मेरा मतलब है कि मैं इस काबिल था कि मैं अपना कलाम पेश करके बुक्स छपवा सकता था। तो इस सिलसिले में मैंने 3 बुक्स अपनी बनवा ली। किस किस नाम से? सरे जिंदा मेरी पहली बुक थी। वो इस हवाले से थी कि जब मैं कैद हुआ था अफगानिस्तान में, अच्छा। जब मुझे ये दहशतगर्द उठा के ले गए थे। उसके बाद फिर आमियाना शायरी कह लें आप उसको, आमियाना ही कहूँगा, कि जिसमें गज़ल और नज़्म और ये जो आशिकी और मशूकी वगैरह वगैरह। उसके बाद तिकोन मेरी आई है तीसरी। तिकोन और काफ़ी फेमस है तिकोन। तिकोन में माशाल्लाह फिर ये था कि उसमें नात और तसव्वुफ टाइप का थोड़ा सा, और उसमें ये इतनी सेहरफी जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो मैंने कोशिश की। ये एक नई अब मेरी किताब है और इसी पे मेरा चल रहा है काम के माशाल्लाह के भी। आपने किस किस जुबान में पोइट्री? उर्दू में, प्योरली प्योरली उर्दू में। अच्छा, अगर बात की जाए पोइट्री के हिसाब से, के हवाले से, आप कोई चंद इशार हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहते हैं? अच्छा, पंजाबी की एक नज्म है मेरी। मैं तख्त हजारा छड़ के आ बैठा तेरे कोल, मैं तख्त हज़ारा छड़ के आ बैठा तेरे को, तू काफ़ी शाह हुसैन दी, मैं वारिस शाह दे बोल, तू हीर से आलन चाप दी, तेरा रूप खुदा दी शान,
तेरे लौंग च सूरज लिशकदा तेरे नैना विच कृपान नी कुड़िए उड़ पुट जानी है सानू रावां विच ना रोल तू काफ़ी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह दे बोल और मेरा प्यार निरा पंजाब है मेरा प्यार निरा पंजाब है मेरा दिल पिपल दी छां मेरा प्यार निरा पंजाब है मेरा दिल पिपल दी छां मेरा सीना सतलुज वगदा दिल वसदा होया ग्रां मैं तेरे वर्गा जापदा आ बह जा मेरे कोल तू काफ़ी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह दे बोल और आ ये ज़रा काबले गौर है कथा मेरा आ नफरत इत्थों कढ़िए ते करिए प्यार दी गल आ नफरत इत्थों कढ़िए ते करिए प्यार दी गल ए बंदे भुखे प्यार दे कोई सुख सुनेहा कल मैं पग बन्ना पंजाब दी तू चुन्नी सिर ते खोल तू काफ़ी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह बहुत खूबसूरत कलाम बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत से सिंगर्स ने आपके कलाम को गाया कौन कौन से सिंगर्स ने गाया और क्या क्या उसमें ऐसा है कि कुछ गज़लें हामिद अली खान उस्ताद हामिद अली खान ने गाई हैं हमारी एक बच्ची स्टूडेंट थी आजकल माशाल्लाह बड़ी ऊपर जा रही है सारा रज़ा ने गाए हैं कुछ नाते हैं मेरी लिखी हुई हमेरा अरशद उसने गाए हैं और भी काफ़ी सिंगर्स हैं जिन्होंने कलाम दिया है तो वो कर रहे हैं कोशिश मतलब उस्ताद अब्दुल रऊफ ने बहुत अच्छे वो जो हमारे म्यूज़िक टीचर हैं अच्छा अगर पोइट्री के हिसाब से बात करें तो अल्हम्ब्रा काउंसिल जो है वो एक्चुअली प्रमोट करी है आर्ट्स को तो कौन कौन से शोबे हैं और इसके अलावा पोइट्री के लिए क्या क्या किया जा रहा है पोइट्स को कैसे पढ़ना अच्छा शोबे तो माशाल्लाह काफ़ी हैं जिनमें क्योंकि हमारा मैंडेट मैंने जैसे शुरू में कहा कि टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर है तो उसमें ये है कि डिफरेंट क्लासेस हैं हमारी अल्हम्ब्रा परफॉर्मिंग आर्ट्स के हिसाब से हमने पूरी एकेडमी बनाई हुई है उसमें ये है कि इंस्ट्रूमेंटल सारे हैं उसमें गिटार है सितार है वायलिन है सारे सब हैं हारमोनियम है इवन सिंगिंग है और फिर उसके अलावा फिर ये आर्ट एंड कल्चर जो कैलीग्राफी भी है अच्छा। उसमें हाँ जी पोर्ट्रेट भी है सारी बनाना और जिसमें तस्वीर बनाने का वो जो है वो सारा कुछ भी है हमारे इसमें मैंडेट में शामिल है और वो बड़ी क्लासेस अच्छी चल रही हैं हमारी तो बड़ा अच्छा चल रहा है अच्छा अगर आप मतलब अगर आप कुछ चेंज लाना चाहें अगर अल्हम्ब्रा में मैं मुनीर नियाज़ी के दो शेर सुना दूँ इस सिलसिले में उदासी को बयां कैसे करूँ मैं उदासी को बयां कैसे करूँ मैं खामोशी को जुबां कैसे करूँ मैं बदलना चाहता हूँ इस ज़मी को ये कारे आसमां कैसे करूँ मैं कैसे करूँ मैं बदलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ और बदला भी है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं बता दूँ ये जी एग्जैक्टली आपका नाम से काफ़ी चेंज आ गया है और सारी इंडस्ट्री जानती है पूरा पाकिस्तान जानता है कि आपने किस तरह आर्ट के लिए काम किया कोशिश तो यही है कि दिन ब दिन कोई चेंज आए कोई नई चीज़ें आए और अल्हम्ब्रा इस काबिल हो जाए देखें हमारा मैंडेट सिर्फ लाहौर तक था जी अब मैं इसको इंटरनेशनली ले आया आपको पता है कि इस वक्त मेरे पास कोई तकरीबन कोई 10 मुख्तलिफ ममालिक की जो एम्बेसीज़ हैं वो अपने ट्रूपेज भेज चुकी हैं और उन्होंने ऑफ़र किए हमें उसका अभी हम एक अल्हम्ब्रा ट्रूपे बना रहे हैं जो पाकिस्तान लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करेगा आपने देखा कि हमने एक जैसे प्राइवेट चैनल्स पे वो चल रहे हैं ना कुछ ऐसे हैं कि अनप्लग्ड सीज़न जो हमने अल्हम्ब्रा का शुरू किया है बच्चों को हमने ऐसा इसका हाँ वो किया है कि इस काबिल हो जाए कि वो ऐसा एक एक किस्म का वो बन जाए ऑर्केस्ट्रा उनका कि वो पेश कर सकें अपने आप को वो अल्हम्ब्रा के उस पे आया कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो था उसकी ज़रूरत थी टैलेंट बहुत था लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 साल पहले यहाँ एक एक वो बना जिसको कहते हैं कि स्टूडियो वो बंद पड़ा था
जाले लगे हुए, गंद पड़ा हुआ है, खत्म, उसमें जी जिन भूत रहते हैं वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या कहानी थी। बस गवर्नमेंट ने एक चीज़ बना के छोड़ दी ऐसे सब। वो फॉर द फर्स्ट टाइम हमने अभी लास्ट ईयर हमने रिवाइव किया, उसमें हमने 500 बच्चे स्कूल कॉलेजेस के, सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल और जो जितने एमेच्योर्स जितने शौकिया फनकार थे उन सबका ऑडिशन लिया। अच्छा। उसमें से 23 बच्चे सिलेक्ट हुए। अच्छा। और उन्होंने 23 बिकॉज उस्तादों ने जो सिलेक्ट किए वो बड़े अच्छी स्ट्रिक्ट उनकी वो थी, और उन्होंने इस वक्त आपको पता है कि 9-10 चैनल्स में हमारा चल रहा है अलमरा अनप्लग्ड, वो एक उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दी है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, शहबाज शरीफ साहब को जब पेश किया गया उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने फंडिंग की इसकी, मतलब आई एम ग्रेटफुल टू हिम। हमेशा एक्टिव रहते हैं। हाँ, उन्होंने इस दफ़ा काफ़ी तवज्जो दी है इस तरफ आर्ट एंड कल्चर की तरफ, तो ये चीज़ें हैं कि हम कोशिश कर तो रहे हैं कि आज जैसे कि आपने बात की कि गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, जो जैसे कि पहले कुछ ऐसे अदाकार थे जिनके हालात के ऊपर तबसरा भी किया गया टीवी चैनल्स में, तो उनके लिए हुकूमत ने क्या क्या किया? उनके लिए तो खैर हुकूमत अपने तौर पर कमेटीज़ बनाती है जिसमें फैसले होते हैं कि जी जो भी हैं जितनी दरख्वास्तें ली जाएँ इन लोगों से, और उन लोगों का फिर डिटरमिन किया जाए कि कौन डिज़र्विंग है। हमारे कुछ फनकार ऐसे भी हैं माशाल्लाह बहुत वेल टू डू हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट की वो उनको सपोर्ट मिल जाए, हालांकि वो बहुत अच्छे कोई प्राइवेट अपना वो भी चला रहा है, कोई स्टूडियो भी चला रहा है, कोई अपने प्राइवेट प्रोडक्शन भी चल रही है जिनकी, लेकिन बहुत सारे शौकिया लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं यकीन करें बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे इस वक्त सीनियर एज में हैं और वो ऐसा क्रॉस कर चुके हैं अपनी परफॉर्मेंस जो वो नहीं दे सकते जो पहले देते रहे, उनके लिए फिर कमेटी बनाई उन्होंने, कमेटी का मैं भी मेम्बर हूँ, उसमें फिर ये तय किया गया कि उसमें क्राइटेरिया बना दिया जाए एज वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी कि किसने कितने साल क्या किया, एज क्या है, खसूसन कोई अगर बीमारी में मुब्तला है या कोई ऐसी फेटल किसी उसमें, उसको तो फौरी तौर पे वन टाइम ग्रांट दे दी जाती है, अदरवाइज एक खिदमत कार्ड बना दिया उन्होंने कि 5,000 रुपया फी पर्सन उसको मंथली उसको मिलता जाए, वो अब शुरू किया गवर्नमेंट ने, ये अच्छा इकदाम है। अब उसमें अब माशाल्लाह फनकार इतने हैं कि आप पूरा नहीं उतर सकते, यकीन करें आपके आप लेट से हमने उस दिन 500 को हमने दिए पैसे 20,000 चार महीनों के बंदे थे इससे पहले, लेकिन 300 औरों की दरख्वास्त आ गई कि भाई जी हमें पीछे हम भी फनकार हैं, तो अब वो बहरहाल देखना पड़ता सारी चीज़ें साथ साथ देके चलनी पड़ती है। अच्छा, अगर एक्टिंग के हवाले से बात की जाए तो जो न्यू सिंगर्स हैं न्यू टैलेंट है वो बड़ा उभर के सामने आ रहा है, और फिल्मों में भी और ड्रामास में भी, कौन सा यंग टैलेंट में आपका फेवरेट जो है हीरो है कहा जा सकता है ड्रामा में और फिल्म में, और उसके बाद इसी तरह हीरोइन फिल्म में ड्रामा में? अच्छा सॉरी, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली, फिल्म तो मेरा सब्जेक्ट है तो सही कागज़ों में, लेकिन पर्सनली फ्रैंकली मैंने आज तक देखी नहीं कोई। अभी पिछले दिनों एक वो सल्यूट फिल्म जो हमने अलहमरा ने स्पॉन्सर की है जी। वो जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ थी, उसमें साइमा ने बड़ा अच्छा किया है, उसमें एक दो और थे, ये हमारा राशिद था जी। ये तो खैर पुराने हैं सारे सीनियर हैं, लेकिन न्यू में फ्रेंकली मैं किसी को जानता नहीं इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। तो न्यू को इतना जानते नहीं है, सॉरी न्यू जो यंगस्टर टैलेंट है उनको नहीं हम इतना जानते, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए आपके फेवरेट सिंगर की, तो आई एम श्योर कि आप अहले ज़ौक हैं तो सुनते तो अच्छा जरूर होंगे, किसको सुनना पसंद है? अच्छा, अब आजकल एक्चुअली एक और रिवाज चल गया ना, ट्रैक बना के कोई भी सिंगर बन जाता है। पिछले दिनों मेरी आवाज़, हालांकि आई एम नॉट एट ऑल सिंगर, आई डोंट नो ए बी सी, तो मेरे अपने स्टूडियो में उसने कहा कि जी यह गाओ, मैंने गा दिया और उसने वो ऐसा फिट किया, मैं हैरान रह गया कि यार मैं भी सिंगर हूँ, हालांकि आई एम नॉट एट ऑल, लेकिन अच्छी आवाज़ों में शबनम मजीद की मुझे बहुत अच्छी आवाज़ लगती है, बहुत अच्छा गा रही है। हाँ, बहुत अच्छा गा रही है। तो और भी हैं, बहरहाल नाम शायद इस वक्त मुझे ज़हन में ना, शबनम मजीद जो है वो सबसे अच्छी लगती है। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर बात की जाए पोइट्री की, तो आपके फेवरेट पोइट कौन है?
होता है ना जब इंसान खुद भी पोइट्री हो तो एक बंदा सेट कर लेता है चीज लेवल के आई वांट टू बी दैट आई मे नॉट बी दैट बट ओके आई वांट टू बी दैट लेकिन बात यह है इकबाल से बड़ा जैसे आपने सोचा कि मैं कैप्टन बनूंगा और आप बन गए और आपने इकबाल से बड़ा कोई शायर नहीं है वो तो हमारी रगों में है हमारे खून में बह रहा है ठीक है शायरी गालिब की कमाल है मीर की कमाल है सौदा की कमाल है वो अपनी जगह है लेकिन इकबाल की इस हद तक मैं कहूँगा कि इस वक्त बींग ए मुस्लिम बींग ए पाकिस्तानी इकबाल से बढ़कर हमें ना किसी की ज़रूरत है और ना कोई हमें चाहिए और वो कमाल है यानी उसने तो हर पहलू को उन्होंने जो है कवर किया है अच्छा सूफीज्म आपके ख्याल में क्या है जैसे कि हमारी सूफीज्म ऐसा है सूफी सॉन्ग्स भी हैं हाउ डू यू डिफाइन दैट इन योर हजरत अली हजवेरी जो हमारे दाता गंजबख्श के नाम से मशहूर है उनकी किताब है कशफुल माजूब उसमें जो तसव्वुफ की तारीफ की उन्होंने जो मुझे समझ आई उन्होंने कहा है कि अल्फाज से मानी तक का जो सफ़र है वो तसव्वुफ है अल्फाज से मानी तक का जो सफ़र है वो तसव्वुफ है एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या मानी लेते हैं किस लफ्ज़ का एग्जैक्टली तो बाकी जो आजकल तसव्वुफ की वो चल रही है ना काफ़ी कॉनोटेशंस हैं डिफरेंट हैं एंगल्स हैं कि ढोल बजा लिया चरस पी ली नाच लिया गा लिया तसव्वुफ हो गया सूफीज़म हो गया आई एम सॉरी नॉट विद दैट एट ऑल तसव्वुफ तो भाई एक अपने आप को अल्लाह के करीब लाने के लिए एक हुकूकुल इबाद का बेहतरीन नमूना है हुकूकुल इबाद का हुकूक अल्लाह तो अल्लाह और आपके दरमियान है ना वो तो अल्लाह माफ़ करने वाला गफूर रहीम है बेशक नो डाउट बंदे जो हैं उनके साथ जो है हुकूकुल इबाद जो है दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट हम लोग शायद इसका ख्याल कर लें तो फिर तसव्वुफ़ के माने भी समझ जाएं हुकूकुल इबाद का ज़्यादा ख्याल रखते हैं कम ख्याल रखते हैं और अल्लाह के हम यही लगे रहते हैं कि हमें नमाज पढ़नी है हमें रोज़ा रखना है लेकिन हम ये नहीं देखते वो ऑब्वियसली पढ़नी चाहिए आपको लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमें किसी का हक नहीं खाना और ऐसी चीज़ें नहीं करनी बिल्कुल अच्छा आपका फेवरेट सूफी सिंगर पहले तो बताए सूफी सिंगर हैं कौन ये आजकल आपदा है आपदा प्रवीण है वो कर रही है मारवी भी गाती है ये हमारा साईं भी है लाहौर वाला क्या नाम उसका सारे अच्छे हैं ठीक है सारे अपने अपने तरीके से अच्छा अच्छा तरीके से क्योंकि उनका वो बेसिक वो जो चीज़ होती है ना उसमें ताकत होती है ना जो कलाम होता है जान तो उसमें होती है उसको कोई भी गा ले वो अच्छे तरीके से पेश कर दे तो वो अच्छा हो जाता है अच्छा हो जाता है अच्छा हम टेबल पे मौजूद हैं तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप दिन का आगाज क्या खा के करते हैं क्या नाश्ता करते हैं रूटीन में रूटीन में तो यही आप देख रहे हैं माशाल्लाह फ्रूट पड़े कुछ मौजूद है लेकिन आप क्या क्या खाते फ्रूट पड़े हुए हैं आजकल ये आप देख रही जाम ये देखो मेरे सामने पौधा है उधर बाहर बिल्कुल वहाँ से ये तोड़ के लाते हैं मेरे ये बेचारे यहाँ मुलाजम फ्रेश वो खाते हैं लेकिन अदरवाइज मैं जनरली एक कोई भी किसी फ्रूट का जूस एक गिलास लेता हूँ और एक अंडा फ्राई और एक पीस उसका टोस्ट अपना जो हाँ बस वो करते हैं सिंपल हाँ सिंपल अच्छा इसके साथ ही यहाँ पे गाना हुआ एक छोटी सी ब्रेक ब्रेक से वापस आएंगे और हमने काफ़ी चीज़ें देखनी है जामुन का दरख्त भी देखना है बाहर जो भी हमने डिस्क्राइब किया है इसके साथ साथ कबूतर भी मौजूद हैं और बहुत से पेट्स मौजूद हैं उनके बारे में जानेंगे और मज़ीद जानेंगे हम कैप्टन साहब के बारे में लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद